जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के प्रमुख सचिव न्याय के पद पर प्रोन्नति होने के बाद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के तत्वाधान में विदाई समारोह का आयोजन दीवानिक न्यायालय स्थित बार के सभागार में किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सेकेंड को माल्यार्पण अंग वस्त्र गीता व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और उनकी विदाई की। अपने संबोधन में जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि गोरखपुर में मेरा कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा, यहाँ के लोगों व अधिवक्ताओं से काफी लगाव हो गया था। उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद अधिवक्ताओं व लोगों ने बहुत प्यार व सम्मान दिया है। उन्होंने अधिवक्ताओं से कहा कि कोरोना अब समाप्त होने वाला है तो सभी अधिवक्ता तेजी से कार्य करें जिससे वादकारियों का भला हो सके। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे, महामंत्री अनुराग दुबे सहित अन्य पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव सेकंड ने कहा, सबके लिए समान भाव से इन्होंने जो कार्य किया, जो व्यवहार किया, हर आदमी के निश्चित से देखना, कोई आदमी कहने को कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस बिंदु पर मुझे पूरा विश्वास है कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि जज साहब ने किसी दो लोगों में कभी कोई भेद किया। जो न्यायपालिका द्वारा
विधि का शासन स्थापित किया गया है या हमेशा से होता आ रहा है उसमें और उत्तरोत्तर वृद्धि की दिशा में या उसे और अच्छा बेहतर बनाने की दिशा में माननीय का जो प्राप्त होगा उसका हम वर्णन करेंगे। सभी सम्मानित अधिवक्तागण, मेरे साथी, सर्वप्रथम मैं 2021 की आपको नए वर्ष में मंगल कामनाएं करता हूँ कि आपका वर्ष अच्छी तरह से बीते। इस कोरोना काल की वजह से जो मेरा चेहरा छिपा था वो शायद हट जाए। वैसे तो मैं जब यहाँ आया था तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे फिर से ईस्ट में जाना पड़ेगा। वो अचानक हुआ और काफ़ी 3-4 दिन वहाँ वो मैं रहा कि शायद चेंज हो जाएगा, लेकिन अंत में मुझे आना पड़ा यहाँ पे। लेकिन अब 4 महीने में तो इतना हो गया है यहाँ से कि आप बड़ा कष्ट हो, ऐसा लग रहा है कि इतना अपनापन शायद कभी कभी आप लोगों का व्यवहार जो मुझे वहाँ मिले। वैसे काम करने के लिए वाकई में अवसर तो सभी लोगों को दोनों पक्षों को नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन आप लोगों ने जरूर 4 महीने में हम लोगों को कहीं ना कहीं छोटे छोटे टास्क जरूर दिए जिसे हम लोग कोशिश करते रहे पूरा हो और किसी भी तरह से और जनपदों से हम लोग पीछे ना रहें। और यही कारण है कि जब भी वर्किंग वर्कडन कितना हुआ उसके बारे में बात होती है तो नंबर 1 भी गिना जाता है। अब ये समय ऐसा आ गया था जहाँ पे गाइडलाइन लगभग सभी निर्गत हो गई थी और काम तेजी से शुरू होना था, तभी मैं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। लिहाजा मैं आपके उन अनुभवों का, आपकी उन शुद्धता का मैं फ़ायदा नहीं ले पाया जिससे मुझे बड़ा अफसोस रहेगा। जो यहाँ पे सबसे वातावरण लगा मुझे ये लगा कि मैंने पश्चिम में भी देखा, मेरे साथ राहुल जी रहे, कई लोग रहे, अभय भी थे, चाहे मेरठ रहा हो, चाहे गाजियाबाद रहा हो, चाहे आगरा रहा हो, सभी की स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है बाहर फ्यूचर यहाँ से ज़्यादा है। लेकिन जो वर्क कल्चर यहाँ का है, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका है, जो सौम्यता, जो स्वभाव, जो सरलता आपकी है, वो कहीं लेकिन हमारे फर्स्टी साहब ने बताया कि इसके बारे में डेटा हम लोगों की तरफ से जा चुका है, इसका कामकाज फिर से शुरू करा दिया है और मुझे लग रहा है 10 दिन के अंदर ये आ जाएगा जब आप मीडिएशन की कार्रवाई में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। और मैं भी पहुँच के वहाँ भी अपने लेवल पर देखूँगा कि कहाँ पर मामला छिपा हुआ है। इसके अलावा मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार स्नेह दिया है, मैं आगे चलकर उस प्यार स्नेह का जो ऋणी हो गया हूँ किसी रूप में कर उतार पाऊँ तो मैं अपने बधाई समझ रहा हूँ। पहले तो मैं सोच रहा था कि सोमवार या मंगल किसी दिन एक चार्ज ले लूँगा, लेकिन आज आप लोगों ने शंकर जी की कृपा देखे मेरा दिन निश्चित कर लिया है कि आज मुझे सोमवार को जाना ही पड़ेगा। अंत में उससे आम को कोई पीड़ा किसी तरह की हुई वो मेरे आचरण व्यवहार कार्य से तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। 3 महीने का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में हुआ। अधिवक्ता की जब भी कोई समस्याएं, चाहे अधिवक्ता हित की कोई बात हम लोग उनसे किए, इतना एक्टिव और इतना जल्द निपटारा करने वाला, आज तक हम अपने बार के इतिहास में कई पदों पर आए हैं मैं उनको नहीं देखा। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से कोई भी बात अधिवक्ता हित में कभी भी कही गई वह उसके तुरंत ही निवारण करने का प्रयास करते थे और किया। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के इस अल्प कार्य को हम जितना भी प्रशंसाकर कम होगा मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आज की सभा समाप्त। मैं यहाँ रहा
और जिस समय है उस समय कोरोना काल चल रहा था, लेकिन उस कोरोना काल के अंदर माननीय उच्च न्यायालय और शासन की जो गाइडलाइन थी उसके अनुरूप कार्य के जो निर्देश थे, हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। और इस सब का क्रेडिट यहाँ के अधिवक्तागण को जाता है कि उन्होंने उस जो गाइडलाइन थी उसकी उसी के अनुरूप पूरा घरों में बैठ करके और कंप्यूटर के माध्यम से ई फाइलिंग की और वहाँ से आर्गूमेंट किए और पूरा डिस्पोजल हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी पूरा प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले जो अर्जेंट नेचर के हैं या जिनको होना ज़रूरी है वो सब का डिस्पोजल किया जाए। अधिवक्ताओं के लिए मैं तो यही कहूँगा कि अब कोरोना धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और आप लोग सक्रिय होकर काम करें। गाइडलाइन भी अब आ गई हैं कि पूरी तरह से काम करना है जिससे वादकारियों का भला हो और केस की पेंडेंसी कम हो। बाकी आप लोगों का आचरण व्यवहार कार बहुत अच्छा है यहाँ पे और सब पूरे एक फैमिली की तरह हम लोग यहाँ रहते हैं, किसी में कोई भी जरा भी मनमुटाव नहीं है। हमारी पीड़ा को वो समझते हैं, उनकी पीड़ा को हम समझते हैं और हम करने का प्रयास करते हैं।